CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, एक ऐसी टीम जिसने IPL की ट्रॉफी 4 बार अपने नाम की है, जिस टीम को लगातार हारते नहीं देखा गया था, वो टीम अब 15वें सीजन में अपने हर मैच में हारती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, शुरुआती 4 मैचों में लगातार हार से परेशान चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ है। RCB के खिलाफ होने वाले मैच में CSK को खेल के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लगातार 4 हार के बाद टीम का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया है। CSK अंक तालिका में सबसे नीचे है, वही RCB 3 जीत के साथ चौथे नंबर पर काबिज है। पूर्व में CSK का हिस्सा रहे फाफ डुप्लेसिस के नेतृत्व में RCB बेहतर प्रदर्शन कर रही है। RCB ने पिछले मैच में अंक तालिका में टॉप पर मौजूद टीम राजस्थान रॉयल्स को हराया है। 4 बार के चैंपियन चेन्नई ने रविंद्र जडेजा की अगुवाई में अभी तक उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली है जिसके लिए उसे जाना जाता है। जडेजा अभी तक आगे बढ़कर नेतृत्व करने में नाकाम रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू और ड्वेन ब्रावो जैसे सीनियर खिलाड़ियों को संकट की स्थिति में ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। CSK ने अब तक एक मैच में 200 रन से ज्यादा का स्कोर बनाया है, लेकिन बाकी 3 मैचों में उसके बल्लेबाज नहीं चल पाए थे। उनका सामना अब RCB के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण से होगा, जिसमें स्पिनर वानिंदु हसरंगा, डेविड विली और मोहम्मद सिराज शामिल है। युवा ऋतुराज गायकवाड़ अभी तक नहीं चल पाए और उन्हें बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। ऑलराउंडर मोइन अली और शिवम दुबे को भी ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरी तरफ RCB ने अब तक सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया है और टीम आत्मविश्वास से भरी है। सलामी बल्लेबाज अनुज रावत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अर्धशतक जमाया, जबकि विराट कोहली ने भी रन बनाए। कप्तान फाफ डुप्लेसी किसी भी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। RCB के शीर्ष क्रम की 3 बल्लेबाज अभी अच्छी फॉर्म में हैं। दिनेश कार्तिक RCB के लिए फिनिशर की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और इंजीनियर से क्रिकेट बने शहबाज अहमद ने भी अब तक अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या RCB के खिलाफ जीत हासिल कर CSK क्या IPL 2022 में अपनी वापसी कर पाएगी या नहीं। वही अगर CSK की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें शामिल है रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, एन जगदीशन, राजवर्धन हंगेरकेर, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, ड्वेन ब्रावो, एडम मिलनी, महेश तीक्ष्ण, मुकेश चौधरी। वहीं अगर RCB के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें शामिल है फाफ डुप्लेसी, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, जोस हेजलवुड, वानिंदु हसरंगा, सिद्धार्थ कौल, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज। आप सबको क्या लगता है कि CSK इस मैच में जीत कर क्या वापसी कर पाएगी या नहीं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।